कैसे हैं? बढ़िया है ना। बहुत बढ़िया। आज आपको हम फॉर्मवर्क सेटरिंग कार्पेंट्री का हैंड टूल का इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। कुछ इसमें बारबेंडिंग का भी हैंड टूल है और कुछ मशीनरी का भी है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को बताएंगे हम और समझाएंगे, फिर आप लोगों से पूछेंगे, ठीक है। एक प्रॉपर तरीके से जो हमारा हैंड टूल जो हम यूज करते हैं, इसमें कुछ कॉमन टूल है, क्या है? कुछ कॉमन टूल है, ठीक है। तो हैंड टूल क्या होता है? तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार। एक पहला मेजरिंग टूल हो गया, एक हैंड टूल, एक पावर टूल। हैंड टूल में क्या होता है? जो हाथ से काम करने वाला औजार या औजार होता है, जिससे हम अपने हाथ से खुद करते हैं मैनुअल तरीके से, वो हैंड टूल होता है। क्या होता है? हैंड टूल। और जो एक पावर औजार होता है हमारा, बिजली से चलने वाला यंत्र बोल सकते हैं, वो बिजली से चलता है। कैसे चलता है? बिजली से चलता है, ठीक है। जैसे हमारा ड्रिल मशीन, सर्कुलर सा मशीन हो गया, ग्राइंडर मशीन हो गया, हैंड ग्राइंडर हो गया, ठीक है, वाइब्रेटर मशीन हो गया, टिल्टी हो गया, सरिया वेंडिंग मशीन हो गया, सरिया कटिंग मशीन हो गया, ये क्या है? पावर में आता है। किस में आता है? पावर में आता है, ठीक है। तो अभी हम एक एक टूल का नाम बताएंगे, फिर आप लोगों से पूछेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम चलेंगे, इधर चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या है? इधर चलते हैं, ठीक। सबसे पहले हमारा ये है, हमारा सबसे पहले हमारा क्या होता है? टेप होता है। क्या होता है? टेप। मेजरिंग टेप हो गया। क्या हो गया? मेजरिंग टेप हो गया, ठीक है। टेप क्या है आपका? तीन प्रकार का होता है। एक स्टील टेप हो गया, एक मेजरिंग मतलब इंची टेप, ठीक है। इसको हिंदी बोलते हैं फीता। क्या बोलते हैं? फीता। इसका काम क्या होता है? माप तौल करने के लिए। क्या करने के लिए? माप तौल करने के लिए। ये कंपनी के द्वारा बनाए हुए यंत्र है। क्या है? कंपनी के द्वारा बनाए हुए यंत्र है, जिससे हम लोग माप तौल गहराई चौड़ाई देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम जीरो से लेकर के, इसकी इकाई जीरो है, मतलब जीरो एम से लेकर के मीटर आगे, सेंटीमीटर, मीटर और मतलब फीट, इंच, यह सब नाप सकते हैं, ठीक है। इससे माप तौल कर सकते हैं। ये तीन प्रकार का होता है, स्टील टेप, प्लास्टिक टेप और मोल्डिंग टेप। ये स्टील टेप है, क्या है? ये तीन मीटर का, कितने का है? तीन मीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेप। टेप का पता हो गया सब लोगों को? यस सर। उसके बाद आपका प्लास्टिक स्केल हो गया। क्या हो गया? प्लास्टिक स्केल। स्केल क्या होता है आपका? माप तौल करने के लिए। किस करने के लिए होता है? माप तौल करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे लकीर खींचना है आपको, लाइन मारना है और चेक करना है, कुछ देखना है, तो स्केल से हम देख कर सकते हैं, ठीक है। और आगे हम चलेंगे, ये आपका बालपिन हैमर है। क्या है? बालपिन हैमर। बालपिन सब लोग जानते हो, बालपिन हैमर मतलब होता है वाल और पिन। इधर वाल टाइप का, इधर पिन है, ठीक है। इधर फेस है इसका, इधर वाल है और ये हैंडल हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं वाल्व पिन हैमर। क्या बोलते हैं? वाल्व पिन हैमर। वाल्व पिन हैमर इसलिए नाम है, इसलिए बड़ा कि सरिया है आपका या कील है, जैसे इधर से आपने कील ठोका, अब कील को और नीचे ढसाना है, इस साइड से आप चोट मारोगे तो कील क्या ढस सकता है, क्या होगा? अंदर तक ढस जाएगा और उसका जो ऊपर का खुदरापन है वो नहीं दिखेगा, तो आपको किसी को चोट नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? कॉम्बो हैमर है। क्या है ये? कॉम्बो हैमर। जैसे ये इससे हम हर लोग यूज करता है, कॉमन है, जैसे ब्रिक काटने के लिए हो गया, हैकिंग करने के लिए हो गया आपका, आपका कहीं पर आपको बड़ा कील मारना है, दीवार तोड़ना है, जिससे आप तोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका ये वुडन मैलेट है। क्या ये? वुडन मैलेट मतलब लकड़ी का थौड़ा। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? लकड़ी का थौड़ा बोल सकते हैं, ठीक है, वुडन मैलेट बोलते हैं। जैसे आपका कहीं पर सेटरिंग में कंक्रीट लगा हुआ है, हल्का सीट बना रहे हो, पेटी बना रहे हो, चादर बना रहे हो, मतलब एल्युमिनियम का, उससे क्या, इससे मारने से क्या है, मतलब टेढ़ा नहीं होगा, बेंड नहीं होगा और गड्ढा नहीं बनेगा। यदि हम इससे मारेंगे क्लो हैमर से क्या होगा? गड्ढा बन जाएगा, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। किस करते हैं? इसका वुडन मैलेट का, मतलब लकड़ी का थौड़ा। क्या बोलेंगे इसको? लकड़ी का थौड़ा है, ठीक है। उसके आगे क्या है आपका? ये आपका रबड़ मैलेट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? रबड़ मैलेट, मतलब प्लास्टिक रबड़ का मैलेट बोल सकते हैं, मतलब रबड़ का हैमर बोल, मैलेट बोल सकते हो, ठीक है, प्लास्टिक हैमर है, ठीक है, ये रबड़ मैलेट बोलते हैं इसको। इसको हम लोग टाइल में यूज करते हैं। क्या करते हैं? टाइल इसे हमें लगा करके बराबर करना है, लेवल देना है, तो इसे थोड़ा मार सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रबड़ मैलेट। क्या बोलेंगे? रबड़ मैलेट, ठीक है। उसका जो आपका क्लो हैमर है, क्या है? इससे हम लोग कील उखाड़ते हैं, कील ठोकते हैं। क्या करते हैं? एक साइड क्लो है, एक साइड फेस है, मतलब कील उखाड़ना, कील ठोकना, इसलिए इसको बोलते हैं क्लो हैमर। क्या बोलते हैं? क्लो हैमर, ठीक है। ये आपका क्लो हैमर है, इसको ज्यादातर प्रयोग कारपेंटर लोग प्रयोग करता है। कौन करता है? सेटरिंग कारपेंटर लोग। कौन करता है? सेटरिंग कारपेंटर, क्योंकि कील ठोकेगा तो कील निकालेगा, ठीक है, 90 डिग्री में कील को मारना और निकालना, ठीक है। आगे आपका क्या है? फेंसर हो गया, जमूरा। क्या है? जमूरा। फेंसर मतलब होता है जिसे कील को काटना है आपको, कहीं कील फंस गया, छोटा कील होता है, काट भी सकते हो, कील को काट भी सकते हो, और कोई चीज को पकड़ना है आपको, वेंडिंग वायर काटना है, काट सकते हो, ठीक है। इसका टेक्निकल नाम क्या है? फेंसर। क्या बोलते हैं? फेंसर। जमूरा। क्या बोलते हैं? जमूरा। फेंसर, ठीक है। आगे हमारा क्या है?
डबल स्पैंडर क्या बोलेंगे, डबल इंड स्पैंडर। डबल हम लोग क्यों बोलते हैं, दोनों साइड इसका वो है, नाइस, दोनों साइड मुंह, इसलिए डबल इंड स्पैंडर बोलते हैं, ठीक है। और फिर आपका रिंग स्पैनर है, क्या है, रिंग स्पैनर। इसका साइज क्या है आपका, 23-21, कितना है, 23-21। ये हमारा नट बोल्ट खोलने का काम में आता है, जैसे स्कैप होल्डिंग बाड़ा या क्लैंप ही, ये वाला कोपलर बोलते हैं, स्विंग कोपलर, क्या बोलते हैं, स्विंग कोपलर। ये दो प्रकार का होता है, जिसे खोलना है तो हम इसको ऐसे फंसा के खोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे, ये ऐसे लगा के ये ऐसे खोल सकते हैं, ठीक है, 23-21 लगता है ये, ठीक है, ऐसे करके। तो ये हमारा क्या हो गया, रिंग स्पाइनर, क्या है, रिंग, ठीक है। और ये डबल इंड स्पाइनर क्या है, ये डबल इंड स्पाइनर। नट बोल्ट खोलने के लिए काम में आता है, किस काम में आता है, नट बोल्ट खोलने का स्लिप काम में आता है, ठीक है। ये आपका राउंड फाइल हो गया, क्या हो गया, राउंड फाइल। आपने कहीं इससे आगर से होल्ड किया, इसे लिया आगर या ग्रिमेट से होल्ड किया, ड्रिल मशीन से होल्ड किया, अब खुदरापन रह गया, तो खुदरापन को साफ करने के लिए, फिनिशिंग करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, राउंड फाइल का, क्या करेंगे, राउंड फाइल का प्रयोग करेंगे, उसको डाल करके उसे साफ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है आपका, ये ट्रेमलर फाइल, क्या है, ये ट्रेमलर फाइल, ठीक है। ट्रेमलर फाइल मतलब क्या होता है, रेती में धार करने के लिए, धार करने के लिए होता है, हैंडसा में धार करने के लिए होता है, ठीक है। हैंडसा में लोग धार क्यों करते हैं, जैसे मान लो तेज करने के लिए, क्या करने के लिए, तेज करने के लिए, ठीक है। आवाज कर रहा थोड़ा बाद में करेगा ना, इमरान खान इधर आइए, मतलब हैंडसा में धार करने के लिए, ठीक है, आइए इधर, ठीक है। ये टेंडर फाइल है, क्या है, टेंडर फाइल है, ठीक है। ये आपका क्या है, ट्रेंडर फाइल, क्या है, ट्रेंडर फाइल। इसका हम लोग ऐसे धार करते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, पांच प्रकार का होता है, तीन प्रकार का बोल सकते हो, तीन एक प्रकार का। एक आपका ये प्लेट फाइल है, क्या है, प्लेट फाइल। एक हाफ राउंड फाइल नहीं लाया, अंदर में रखा है, हाफ राउंड फाइल होता है, ठीक है, हाफ राउंड फाइल नहीं लाया, प्लेट फाइल है, क्या है, प्लेट फाइल। जैसे कहीं पर बनी की सरिया या सील, आपका जैसे खुदरापन है वो मतलब क्या करेंगे, इसको हम इसे खींच सकते हैं, ठीक है। आगे हम चलेंगे, अब आज को नहीं कर सब लोग अच्छे प्लान से देखो, निकल गया है, हां आवाज निकाल लो, आवाज तो रहा, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, ये हार्मोन सीजर, क्या बोलेंगे इसको, हार्मोन सीजर। ये हाफ राउंड फाइल है, क्या है, हाफ राउंड। इसे जैसे हाफ राउंड का मतलब क्या होता है, आधा, मतलब जैसे कहीं होल है जहां हमारा ये फाइल नहीं जाएगा, हम उसको साफ कर सकते हैं, ठीक है। आधा मतलब आधा पोजीशन को हम इसमें साफ कर सकते हैं, ठीक, घिस सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हाफ राउंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाफ राउंड। ये हमारा क्या, फार्मर सीजल, क्या है ये, फार्मर सीजल। मतलब जैसे आयताकार होल, वर्गाकार होल, वृत्ताकार होल, डायमंड होल, हम इससे कर सकते हैं, और होल को साफ कर सकते हैं, चौकट होल भी कर सकते हैं, ठीक है। होल बनाने और जॉइंट बनाने के काम में आता है ये, कारपेंटर लोग इसको यूज करता है, इसको बोलते हैं हम लोग फार्मर सीजल, क्या बोलते हैं, फार्मर सीजल, ठीक है। ये अलग अलग इंची का आता है, ये आपका एक इंची का होगा, उसके बाद डेढ़ इंची का आता है, दो इंची का, आधा इंच का, चार, तीन इंची, चार इंच तक आता है, ठीक है, ढाई इंच तक, मतलब मान लो ढाई या तीन इंच तक, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, ये छोटा वाला फार्मर सीजल है, ठीक है, हाँ। उसके बाद आपके मोटी सीजल है, क्या ये, मोटी सीजल। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कचक, क्या बोलते हैं, कचक, या रुखानी बोल सकते हो, ठीक है। और इसको हम लोग चौरसी बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, चौरसी। मगर इसको टेक्निकल नाम बोलना, आप लोग क्या बोलना है, टेक्निकल नाम, क्योंकि आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हो, तभी कोई मानेगा कि बंदा सीख रहा है ना। यदि हिंदी में बोलोगे तो बोलेगा क्या सीख रहा है, गांव की भाषा बोल रहा है ना, तो टेक्निकल नाम बोलना है, क्या बोलना है, टेक्निकल नाम। ये आपका मोटी सीजल हो गया, ये फार्मर सीजल हो गया, ठीक है। ये आपका होल करने के लिए होता है, ये होल साफ करने के लिए होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, कोल्ड सीजल, क्या बोलते हैं इसको, कोल्ड सीजल। ये रुखानी होता है, ये मतलब ये छेनी बोलते हैं, छेनी। इसका प्रयोग हम लोग जैसे हैकिंग करने के लिए, सरिया काटने के लिए, ठीक है, कहीं चोट मारने के लिए, कहीं कंक्रीट तोड़ना है, इससे हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। इससे हम होल कस सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है आपका, पेंसिल हो गया, क्या हो गया, पेंसिल हो गया, ठीक है। पेंसिल किस काम में आता है, ये निशान लगाने के लिए, जैसे आपको प्लाई काटना है और कुछ काटना है, लिखना है, तो पेंसिल से लिख सकते हैं, ठीक है। ये कंज्यूमल है, क्या है, मतलब खपत सामग्री है, ठीक है। एक खपत मतलब दोबारा यूज में नहीं आता, ठीक है, एक बार लिखने के बाद। ये आपका क्या है, आगर है, क्या है, आगर का प्रयोग हम लोग छेद मारने के लिए, राउंड होल करने के लिए, जैसे वृत्ताकार होल करने के लिए। होल हम लोग क्यों करते हैं, अलग अलग डाया का होल करेंगे, क्या करेंगे, होल, अलग अलग डाय का होल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, अभी 16 AM का होगा, 12 AM का होगा, उससे उस हिसाब से होल करके होल को साफ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे घुमा करके हम होल कर सकते हैं।
उसका आपको ये ट्राई स्क्वायर, क्या बोलोगे? ट्राई स्क्वायर गुनिया, हिंदी में इसको बोलते हैं गुनिया, और इसका दूसरा नाम है राइटिंगल, और सब ट्राई स्क्वायर सब लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का काम क्या होता है? कोई भी चीज को 90 डिग्री में देखना, क्या करना? 90 डिग्री में देखना, उसको चेक करना और उसको मतलब मार्किंग करना, कोना नापना, ठीक है। और मान लो ये राइटिंगल को चेक करना है, क्या करोगे आप लोग? ये राइटिंगल सही है गलत है, तीन चार पाँच लगाओगे। क्या लगाओगे? तीन चार पाँच लगाओगे, ठीक है। तीन चार पाँच लगा के इसको चेक कर सकते हो, राइटिंगल हमारा सही है गलत है, ठीक है। ये आपका बड़ा ट्राई स्क्वायर है, कितने का ये? बड़ा ट्राई स्क्वायर 90 डिग्री का है, ये 180 डिग्री का है, ये बड़ा है, कितने का ये? 180। ये 2 फीट का है, ठीक है। कितने का ये? 2 फीट का, ठीक है। बड़ा ट्राई स्क्वायर जिस दीवार वाला हम बना रहे हैं, बाउंड बना रहे हैं, वो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये 6 फीट का ट्राई स्क्वायर मतलब छोटा वाला राइटिंगल, ठीक है। और ये आपका स्पिरिट लेवल है, क्या ये? स्पिरिट लेवल। स्पीड लेवल मतलब क्या होता है? इसको हम तीन तरीके से माप सकते हैं कोई चीज को। कैसे मापेंगे? तीन तरीके का जो लेवल है उसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। पहला आपका जैसे सीधा जो जमीन का लेवल है, वो लेवल को समतल देख सकते हैं, इसमें समतल मतलब RCC जैसे PCC हुआ है उसको देख चेक कर सकते हैं, और अपना छत को देख सकते हैं, ठीक है। और आपका वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर जिसको बोलते हैं, वर्टिकल मतलब सीधा खड़ा, जैसे पाइप हो गया, कॉलम हो गया, जो भी है उसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। और अपना ऐसे जमीन को चेक कर सकते हैं, ठीक है, जमीन या समतल जिसको बोलते हैं। और वर्टिकल डायगनल ऐसे चेक करेंगे, कैसे करेंगे? टेढ़ा करके, ये डायगनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डायगनल ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ा, तिरछा मतलब टेढ़ा, ये टेढ़ा वाला होगा डायगनल, ठीक है। ये डायगनल है, क्या है? ये आपका क्या है? मार्किंग नाइफ, क्या बोलते हैं इसको? मार्किंग नाइफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मार्किंग नाइफ मतलब हिंदी में बोलेंगे इसको कोर सूत, क्या बोलेंगे? कोरही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोरही। कोर सूत बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? कोर सूत। जैसे आपका प्लाई आपने काटा, अप्लाई रंधा मारना है तो क्या करोगे? इसमें एक पिन लगा करके ऐसे मारना पड़ता है, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे 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 निशान मारना पड़ता है, ठीक है, ऐसे मारना पड़ता है ना? यस सर। लकड़ी का बन जाता है, और ये तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये मार्किंग गेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? मार्किंग गेज, ठीक है। पेंसिल नहीं, कील लगा रहता है, बिंदु लगा, ये कील लगेगा यहाँ पर, ऐसे करके निशान लकड़ी मार सकते, जितना काटना हो उतना मार सकते हो डिजाइन करके, नहीं। ये आपका क्या है? मार्किंग गेज, क्या है? मार्किंग गेज। उसके बाद आपका क्या है? ये बेंडिंग हुक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? बेंडिंग हुक मतलब आपका टाइटस या बेंडिंग हुक बोल सकते हो, या फिर क्या बोलोगे? कुंडी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जैसे कोई मोरनी बोलते हैं, मोरनी इसको बोलते हैं, टेक्निकल नाम बोलना है, बेंडिंग हुक क्या बोल रहे हैं इसको? बेंडिंग हुक, ठीक है। जैसे आपका दो वायर है, दो वायर इसको बांधना है, आप टाइट कर सकते हो, ठीक है, क्या करोगे? मतलब बांधना है, अलग अलग टाई बांधना है, वो बांध सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसको बेंडिंग हुक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बेंडिंग हुक। एक बेंडिंग लीवर होता है, सरिया को बाइंडिंग, बाइंडिंग, बेंडिंग हुक बोल सकते हो, क्या बोलोगे? बेंडिंग हुक मतलब बेंडिंग मतलब कोई चीज को हमें बैंड करके बांधना, टाइट करना, कसना, इसलिए इसको बोलते हैं बेंडिंग हुक, ठीक है। हुक मतलब बांधना, ठीक है, कसना, ठीक है। उसके बाद आपको ये क्या? आयरन जैक प्लेनर, क्या बोलते हैं इसको? जैक प्लेनर। ये तीन प्रकार का होता है, एक वुडन जैक प्लेनर, एक आयरन जैक प्लेनर, एक पावर जैक प्लेनर, ठीक है। आयरन जैक प्लेनर क्या होता है? आयरन जैक प्लेनर क्या होता है? लोहे का होता है, क्या होता है? लोहे का। ये इससे हम क्या करते हैं? लकड़ी को बराबर या समतल करते हैं, क्या करते हैं? लकड़ी को बराबर या समतल करते हैं, ठीक है। लकड़ी को बराबर करके समतल या सुंदरता बढ़ाने के लिए उसको चिकनाहट करते हैं, ठीक है। ये आपका वाटर स्टोन है, क्या है? वाटर स्टोन, मतलब पत्थर, क्या बोलना है? वाटर स्टोन, वाटर स्टोन, स्टोन मतलब पत्थर, पत्थर। ये दो प्रकार का होता है, एक आयरन स्टोन, एक वाटर स्टोन, मतलब पानी में डाल करके, और हम जो जिसे हमारा ये हो गया, इसको हम इसमें धार कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। धार हम कैसे करेंगे? इसमें धार एक साइड से करना होता है, किस साइड से करना होता है? एक साइड से, दोनों साइड से करेंगे, छीनी बन जाएगी, क्या बन जाएगा? छीनी बन जाएगा, ठीक है। और ये पत्थर हमारा बराबर होता है, पहले पानी इसको पिलाएंगे और इसमें हम इसे धार कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? कारण पत्थर, क्या बोलेंगे? कारण पत्थर बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका टेक्निकल नाम क्या है? वाटर स्टोन, क्या बोलेंगे? वाटर स्टोन या आयल स्टोन बोल सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना, आयल स्टोन या वाटर स्टोन, ठीक है। ये आपका कील हो गया, क्या हो गया? कील, नेस मतलब कील होता है, ठीक है। कील अलग अलग साइज का, अलग अलग इंच का मार्केट में अवेलेबल होता है, ठीक है। ये आपका क्या है? बाइनर कैनियर, ये आपका बाइनर कैनियर है, पता है आप लोगों को? यस सर, देखिए तभी आप लोगों ने ना, हां देखते हैं, आउटर डाया और इनर डाया, आउट डाया इन डाया से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। आउट डाया इन डाया हम देख सकते हैं, ठीक, कितने कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना गहरा है, ठीक, कितना मोटाई है,
इसको हम लोग बोलते हैं वाइनियर कैलिपर, क्या बोलते हैं इसको? कैलिपर, ठीक है, ध्यान रखना। ये समझ में आ गया सबको? ओके सर, ध्यान रखना। ये आपका क्या है, वाटरप्रूफ प्लाई हो गया। क्या हो गया? वाटरप्रूफ प्लाई। एक वाटरप्रूफ प्लाई का साइज क्या होता है? 8x4। क्या होता है? 8x4। जो हम लोग सेटरिंग के लिए यूज करते हैं, कौन सा करते हैं? वाटरप्रूफ प्लाई। वो स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड 8x4 का होता है, ठीक है। 8 फीट लंबा होता है, 4 फीट चौड़ा। एमएम बोलेंगे तो 12x20 चौड़ाई हो जाएगा, और 24x40 mm लंबाई। क्या होगा? 1240 चौड़ाई, 2440 चौड़ाई होगा ऐसे ना, ठीक है। और एक प्लाई का वेट कितना होता है? 30 से 34 किलो। कितना होता है? 30 से 34 किलो 34 से 35, मतलब मान सकते हो, ठीक है। उसका वेट जो 12 mm का होगा 35 किलो, ठीक है। 35 से 37 किलो मान सकते हो, ठीक है। 35 से बोले। हाँ, आई एस मार्क क्या होता है? इसमें क्या होता है? आई एस मार्क होता है। आई एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट बोल सकते हो, ठीक है। मतलब भारतीय मानक संस्थान। क्या बोलोगे? भारतीय मानक संस्थान। हेलो 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 सब लोग, ये वाटर प्रूफ प्लाई है। क्या है वही पूछेगा? प्लाई कितने प्रकार का होता है? मार्केट में प्लाई कितने प्रकार का मिलता है? 3 प्रकार का। कितना मिलता है? 3 प्रकार का। एक वाटर प्रूफ प्लाई, एक कमर्शियल प्लाई, एक फिल्म कोटेड प्लाई। सरमाइका जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सरमाइका। सरमाइका क्या होता है? सुंदरता बढ़ाने के लिए, जैसे आपका फर्श हो गया, जैसे टेबल कुर्सी मेज दीवान सोफा बेड में, उनमें लगाया जाता है, ठीक है। मैकिंग करना है, बैंकिंग में लगाया जाता है सरमाइका, कारपेंटरी, हाँ ठीक है। और उसके बाद आपका वाटरप्रूफ प्लाई सेटरिंग कार के लिए होता है। किसके लिए होता है? सेटरिंग कार, क्योंकि पानी धूप सहने की क्षमता होती है, अच्छे किस्म की प्लाई होती है, इससे पानी पड़ने से खराब नहीं होता है ये, ठीक है। आप प्लाई हम लोग कैसे रखेंगे? स्टॉक करके नीचे जमीन में सुला के। कैसे रखेंगे? सुला करके नीचे, लकड़ी गुटका होगा स्ट्रॉपर जिसको बोलते हैं, और सुला करके अपने मतलब ये छेद मतलब अपने कंधे के बराबर, मतलब 4 फीट तक रख सकते हैं, ठीक है। दोनों साइड स्ट्रॉपर लगा करके, लकड़ी का नीचे गुटका लगा करके, या सीमेंट का पीसीसी करके, उसको हम अच्छे जगह पे रख सकते हैं छाया में। कैसे रखेंगे? छाया में। तो इसका जो क्वालिटी होगा वो मजबूती होगा, वो अच्छा कैपेसिटी जो है क्षमता अच्छा रहेगा, ठीक है। ये हमारा 3 प्रकार का होता है, कमर्शियल वाटरप्रूफ और फिल्म कोटेड मतलब सरमाइका। तो क्या होता है कमर्शियल, किस काम के लिए होता है कमर्शियल? जैसे टेबल बनाना है, कुर्सी बनाना है, दरवाजा में लगाना है, वो कमर्शियल होता है। क्या होता है? कमर्शियल। कमर्शियल के भी साइज 8x4 का होता है, 6x4 का होता है, 12x6 का होता है, अलग अलग साइज का आता है कमर्शियल। क्या आता है? अलग अलग साइज का आता है, ठीक है। सोफा उसी का बनता है क्या? हाँ उसी का बनता है, ठीक है। और ये हो गया आपका, आगे हम चलेंगे टिम्बर, लकड़ी। ये क्या है? ट्री। टिम्बर मतलब लकड़ी होता है। क्या होता है? इसे कोई पूछेगा आपसे, हेलमेट लगाओ, आपसे कोई पूछेगा उमेश की लकड़ी टिम्बर कितने प्रकार का होता है, आप क्या बताएंगे? कौन कौन? एक हार्ड टिम्बर, एक सॉफ्ट टिम्बर, ठीक है। मतलब एक हार्ड टिम्बर हो गया, एक सॉफ्ट टिम्बर, मतलब एक नरम एक सख्त, ठीक है, ठीक है। और ऐसा कोई पूछेगा नाम तो बोलोगे, नीम हो गया, कटहल हो गया, देवदार हो गया, आम हो गया, चंदन हो गया, बांस हो गया, मतलब सफेदा हो गया, और महुआ हो गया, साल हो गया, ऐसे बहुत सारे लकड़ी हैं। क्या है? जानते हैं सर, दो चार शीशम हो गया। तो लकड़ी का नाम बता सकते हो? जिसे पूछेगा लकड़ी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक हार्ड एक सॉफ्ट। दोनों यूज करते हैं, कारपेंटरी में भी यूज होता है, होता नहीं होता है, इमारती लकड़ी हो गया, जलाऊ लकड़ी, जिससे एक हार्ड एक सॉफ्ट। Okay, काम में सॉफ्ट वाला भी लेते हैं हम यूज में, और नरम वाला भी लेते हैं। ये का नाम तो बताइए, ठीक है। तो ये टिम्बर हो गया। क्या हो गया? टिम्बर। इसका क्या होता है? ये इसका फेस क्या होता है? ये फेस हो गया। क्या हो गया? फेस। और ये आपका सिरा हो गया, ठीक है, सिरा। ये किनारा हो गया। क्या हो गया? ये किनारा, ये फेस, ये सिरा, ठीक है, ध्यान रखना। लकड़ी इंच में होता है। क्या होता है? इंच में। इसको हम जैसे इसका वो निकालना है, वेट निकालना है, या सीएफटी निकालना है, मतलब घन फीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घन फीट। मार्केट में जाओगे खरीदने के लिए तो घन फीट मिलता है, या सीएफटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सीएफटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ स्क्वायर फीट में, तो उसका क्या होता है? एक सूट होता है 1728। क्या होता है? 1728 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और जिससे इसका इंच निकाल लोगे, तीनों गुणा करके फिर सब इंटू कर दोगे, मल्टीप्लाई उसके बाद उसका वो निकल आएगा ना, कितना इंच होता है, ठीक है। तो आगे चलेंगे हम लोग। ये आपका क्या है? सर्कुलर सा मशीन। सर्कुलर सा मशीन है। क्या है? सर्कुलर सा मशीन। इसे हम लोग प्लाई और टाइल काट सकते हैं, ब्रिक काट सकते हैं। तो बटर मशीन भी बोलते हैं सर ना? हाँ, मतलब इसका टेक्निकल नाम सर्कुलर सा। सर्कुलर सर्कुलर बोलते हैं, सर्कुलर सा, आदि मतलब काटने वाला, हिंदी में तो कटर मशीन बोल सकते हो, ठीक है, पावर सर्कुलर सा बोल सकते हो, ठीक है। ये इसका 2-3 प्रकार का होता है। एक आपका जिग जैग सा होता है, यहाँ पर जो लगा होता है, ठीक है।
उसको बोलते हैं जिग जैग सा, मतलब उठा रहता है टेबल में फिट रहता है ना, यो बड़ा वाला। ये आपका सर्कुलर सा मशीन है, क्या है सर्कुलर सा। इसको हम ब्लेड चेंज करके इसमें टाइल और लकड़ी अप्लाई काट सकते हैं, ठीक है। ये आपका ड्रिल मशीन है, क्या है ये ड्रिल मशीन, हैंड ड्रिल मशीन है, ठीक है। पावर ड्रिल मशीन बोल सकते हैं, पावर ड्रिल मशीन बोल दो, क्योंकि ये इसमें क्या अलग अलग तरह का बीट लगा करके आप दीवार में होल करना होल कर सकते हो, लकड़ी में होल कर सकते हो, और जहाँ भी होल करना कर सकते हो, बीट चेंज करना पड़ेगा। ओके सर, ओके, ठीक है। इसमें क्या है, हीटिंग सिस्टम भी दिया हुआ है, आप कहें पैकिंग कर सकते हो, कहीं पर कंक्रीट को तोड़ भी सकते हो, ठीक है, तोड़ सकते हैं ना। हाँ, तोड़ सकते हो। एंड जैसा वो आपका ये आपका टेनेंसा हो गया, क्या हो गया टेनेंसा, ये ठेलने वाला आ रही है, क्या है खेलने से लकड़ी कटेगा। इस आरी हम कितने डिग्री पे चलाते हैं, 16 डिग्री पे, कितने चलाते हैं 16 डिग्री, 60 डिग्री पे आरी चलाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये सर आ रहा है, ये टेनेंसा, क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है, टेनेंसा हो गया, क्या हो गया टेनेंसा। और उसके बाद इसमें हम लोग जब आरी चलाओगे आप, मुख्य कितने दब पे चलेगा, 60 कितने पे चलेगा, मुख्य दो दब पे चलेगा, ठीक है, कितने पे चलेगा, दूध आपको चलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। ओके सर, और ये 16 डिग्री पे चलता है, ठीक है, 16 डिग्री, हाँ। उसका नीचे लकड़ी प्लाई काट सकते हैं, ठीक है, पेड़ों और उसके बाद आपको क्या, ये हैंडसा, क्या बोलेंगे इसको हैंडसा, मतलब हाथ से खींचने वाला आ रही है, ठीक है, आरी मतलब लकड़ी काटा जाता है, मार्किंग करके लकड़ी को हम काट सकते हैं, ठीक है, 90 डिग्री मतलब 16 डिग्री में हम काट सकते हैं, ठीक है। ओके सर, उसके बाद आपका ये क्या है, सरिया, क्या है सरिया, इसको हम लोग बोलते हैं सरिया बोल सकते हैं, छड़ बोल सकते हैं, या स्टील बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे स्टील या बार, मतलब कई सारा नाम है इसका, ठीक है। ये कौन सा है, टीएमटी है, क्या है टीएमटी सरिया, क्या होता है इसमें थ्रेड होता है, चूड़ी, क्या होता है चूड़ी, थ्रेड मतलब क्या होता है, ग्रिप पकड़ने, कंक्रीट को पकड़ने के लिए। सरिया कितने प्रकार का होता है, जो बार है तीन प्रकार का होता है, कितना होता है तीन प्रकार का, एक टीएमटी बार हो गया, एक आपका टीएमटी माइल स्टील, और टोर बोलते हैं, ठीक है, टोर मतलब प्लेन वाला, टीएमटी बार हो गया, माइल स्टील बार हो गया, और टोर ठीक है, ध्यान रखना। इसे ग्रिल बनाना है, रेलिंग बनाना है, वो बना सकते हो, ठीक है। ये हमारा क्या है, टीएमटी है, ये ज्यादातर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनाने में रोड बनाने में पुल बनाने में वहाँ प्रयोग करता है, छत डालने में, ये सब टीएमटी का होता है, ठीक है सर। ये कितने एम का है, 8 ये आपका क्या है, पिन प्लेट है, क्या है पिन प्लेट का साइज क्या होता है, टेप कहाँ रखा, पिन प्लेट का साइज देख सकते हो ना, कितने बाई कितने का होता है, अलग अलग साइज का पिन प्लेट आता है, ठीक है, स्केल से 100x100 का है, कितने का ये 100x100, और 150x150 का भी आता है, और 130x130 का भी आता है, ठीक है। और ये कितने एम का होता है मोटाई, हाँ 15 एम का होता है, 12 एम का बोल सकते हो, ठीक है, अलग अलग साइज का, 150x150 का भी होता है, 130x130 का भी होता है, ठीक है, अलग अलग साइज का आता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये आपका पिन प्लेट, इसमें सरिया डाल करके हम मोड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें तीन पॉइंट दिया हुआ है, इसको फर्स्ट बोलते हैं, सेकंड, थर्ड, मतलब दो तीन तरह का एज दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कितने तरह का हम लोग बना सकते हैं, रिंग मतलब 5-6 प्रकार का शेप बना सकते हो, 12 एम 8 एम 10 एम का, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, ये सेफ्टी हार्डनेस है, क्या है सेफ्टी हार्डनेस, सेफ्टी बेल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी हार्डनेस क्या है, दो प्रकार का होता है, एक सिंगल वाडी हार्डनेस, एक डबल वाडी हार्डनेस। ये डबल वाडी हार्डनेस, सिंगल वाडी हार्डनेस अभी यूज नहीं कर रहे हैं, हार्डनेस मतलब होता है सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी बेल्ट का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जमीन लेवल से 2 मीटर की अधिक ऊंचाई पे हम काम करेंगे तो पहन सकते हैं, कहाँ पहनेंगे, जमीन लेवल से 2 मीटर की अधिक ऊंचाई पे हम काम करेंगे तो उसको हम पहन सकते हैं, कब पहनेंगे, जमीन लेवल से 2 मीटर की अधिक ऊंचाई पे हम काम करेंगे, इसके रस्सी को ऊपर लगाना है, और अपने हाथ के ऊपर से जब काम करेंगे तो उसको हम लगा के रस्सी के ऊपर जब गिरेंगे तो हम क्या उस रस्सी में ढूंढ सकें, मान लो यहीं पर आप काम कर रहे हो, यहीं लगाओगे गिरेंगे तो चोट लग सकता है, क्या होगा, चोट लग जाएगा, ठीक है। इसका पूरे पार्ट्स को चेक करना है, इसमें 6 भाग होता है, कितना होता है 6 भाग, इसके पूरे पार्ट्स में बताएंगे हम 6 भाग कहाँ कहाँ होता है। अभी मतलब सबसे पहले क्या होता है, लाइन यार्ड, क्या होता है इसमें लाइन यार्ड होता है, डी हुक होता है, डी हुक या प्रेस लॉक बोलोगे इसको, ठीक है, प्रेस लॉक या डी हुक बोल सकते हो, ठीक है, हाँ। उसके बाद आपका चेस्ट यार्ड हो गया, थाई यार्ड यहाँ होता है, डी रिंग पिट के पीछे होता है, लाइलोन पट्टा ये जो लगा होता है, ठीक है, और बक्कल यहाँ बोलते हैं, ठीक है। सेफ्टी बेल्ट का कैपेसिटी क्या होता है, 90 से लेकर 100 किलो तक ये बैठ सह सकता है, कितना सहेगा 90 से 100 किलो तक सह सकता है, ठीक है। और मतलब जब इसमें कोई आदमी गिरता है या झूलता है, इसका 4 गुना वेट बढ़ जाता है, कितना हो जाता है 250-300 किलो हो जाता है, कितना जाता है 250-300 किलो मतलब बढ़ जाता है, ठीक है।
इसमें क्या होता है, पीछे ये जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग फॉल प्रोटेक्शन। क्या बोलते हैं? फॉल प्रोटेक्शन बोलते हैं। जैसे क्या, स्प्रिंग, जैसे कहीं पर कोई बंदा गिरता है डायरेक्ट झटका उसको लगेगा, जैसे धीरे धीरे सरकेगा, क्या होगा, सरकेगा, ठीक है। 2 मीटर का होता है, कितना होता है, 2 मीटर का होता है, ठीक है। उसके बाद आगे हम चलेंगे, ये आपका ब्रिक हो गया, ब्रिक हो ना, ईटा, ईट। ईट क्या है, दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक नंबर, एक स्टैंडर्ड ईट हो गया, एक मॉडलर ईट हो गया। क्या होता है, एक स्टैंडर्ड, एक मॉडलर, मतलब एक आधुनिक बोलेंगे, एक मतलब कन्वेंशनल, मतलब आधुनिक एक आपका स्टैंडर्ड बोल सकते हो, ठीक है। आधुनिक का तकनीकी क्या बोलोगे, आधुनिक का तकनीकी मतलब एक मॉडलर, एक स्टैंडर्ड बोल सकते हो, ठीक है। जैसे वो कंक्रीट जा रहा है, वो हाँ कंक्रीट जो आता है, मतलब वो तो टेक्निक हो जाएगा ना, मतलब टेक्निक, और ये आधुनिक हो जाएगा, मतलब हम लोग पारंपरिक तरीके से बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, ठीक है। जिसे स्टैंडर्ड एक मॉडलर बोल सकते हो, ठीक है। तो ये दो प्रकार का होता है, इसका साइज पता होना चाहिए आप लोग को। जैसे जो स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्ड का साइज कितना होगा, 190 कितना होगा, 180 एम क्या है, लंबाई हो जाएगा, और 90 एम चौड़ाई हो जाएगा, और 90 एम ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला जो मॉडलर है उसका होगा 230, 115 और 75, कितना होगा, 75। 130 क्या होगा, लंबाई ईट का हो जाएगा, ठीक है। और 110 क्या होगा उसका, 115 उसका क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। और 75 क्या उसका, मोटाई हो जाएगा, ठीक है। ईट का ईट हम चेक कैसे करेंगे, ईट ऐसे अपने कंधे से, कंधे में रख करके ऐसे नीचे गिराएंगे, यदि ईट खराब होगा तो टूट जाएगा, ठीक है। ईट चेक करने का तरीका है ऐसे करके खड़ाई से गिराना होता है, ठीक है। गिराने से क्या, ईट यदि अच्छा कंपनी का होगा, अच्छा क्वालिटी का होगा तो नहीं टूटेगा, यदि खराब क्वालिटी का होगा टूट जाएगा वो, नहीं बीच से, ठीक है। हाँ ऐसे रख के गिराना होता है, ऐसे सर, ऐसे, हाँ ऐसे करके, ठीक है, गुड। ये हो गया आपका ब्रिक, समझ गए ना, यस सर। अब आगे चलेंगे सर, हेलमेट। हेलो, हेलमेट क्या, कितने रंग का होता है, हेलमेट 5 रंग का होता है। हेलमेट है, कौन लगाता है, हेलमेट का क्या कलर कोड क्यों डिसाइड किया गया है, कंपनियों में डिसाइड किया गया है, कंपनियों में, क्योंकि कंपनी या साइड में जब काम होता है तो वहाँ हेलमेट से पहचान करता है लोग, क्या करता है, हेलमेट से पहचान करता है, ठीक है। ये सेफ्टी हेलमेट हो गया, क्या हो गया, सेफ्टी हेलमेट हो गया, ठीक है। सेफ्टी किस लिए, अपने सर की सुरक्षा के लिए होता है। ये 5 कलर का होता है, ठीक है। पहला आपका व्हाइट हो गया, कंपनी स्टाफ या विजिटर पहन सकता है, ठीक है। दूसरा आपका हो गया सेफ्टी, मतलब ग्रीन, सेफ्टी डिपार्टमेंट या सेफ्टी अधिकारी पहन सकता है, सुरक्षा देखने वाला, सुरक्षा निर्देश देने वाला, ठीक है। तीसरा आपका क्या है, ब्लू कलर का, क्या होता है, ब्लू मतलब एक डिपार्टमेंटल सुपरवाइजर पहन सकता है या कॉन्ट्रेक्टर सुपरवाइजर पहन सकता है, ठीक है। तीसरा आपका क्या होता है, या फॉरमैन पहन सकता है ब्लू वाला। तीसरा आपका क्या है, चौथा आपका क्या है, रेड, लाल कलर का, इलेक्ट्रीशियन पहनेगा, कौन पहनेगा, इलेक्ट्रीशियन, मतलब लाल वाला पहन सकता है। लाल वाला क्या, खतरा का निशान होता है, जैसे बिजली वाला काम करता है, खतरा का है वो, क्या है, खतरा वाला काम है, ठीक है। जैसे कहीं पर ये मशीन खराब हो गया, आप किसको बुलाएंगे, लाल हेलमेट वाले, किसको बुलाएंगे, लाल हेलमेट या रेड कलर का हेलमेट पहनेगा, उसको बुला करके अपने मशीन को ठीक करवा सकते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रीशियन है। उसके आगे क्या है आपका, येलो मतलब वर्कमैन, मजदूर भाई, वो पहनता है, ठीक है। जैसे कोई काम करवाना है, सामान कोठवाना था, हम किसको बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे, मजदूर भाई को, ठीक है। हेलमेट पहनोगे, येलो मतलब पीला कलर का पहनोगे तो बुला सकते हैं आपको ना, ओके सर। तो ये हेलमेट क्या है, हमारा 5 रंग का होता है। हेलमेट में क्या है, 5 भाग होता है। जैसे आपका हेड बॉडी हो गया, सेंथस हो गया, चाइनीज स्ट्रिप बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, चाइनीज स्ट्रिप, और एडजस्टर पीछे लगा होता है, ये आगे पीछे करने के लिए सभी में लगा हुआ है, यस सर। और अंदर क्या लगा है, रिवील बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रिवील, ये पूरे मतलब जाली है, पकड़ के पूरे सर को रखता है, ठीक है। और ये सॉक्स फॉर्म है, मतलब पसीना या पानी को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। और इसका साइज क्या होता है हेलमेट का, मतलब आपका 590 ऐसे होगा, मतलब लंबाई 500, मतलब आपका 540 ऐसे होगा, ठीक है। हाँ मतलब आप चेक कर सकते हैं हेलमेट का साइज कितना होता है, ठीक है, देख सकते हो। और हेलमेट में क्या है, 20% धूप सहने की क्षमता होता है, कितना होता है, 20 से 25% वो धूप को अब्जर्व करता है, धूप को मतलब आकर्षित करता है, धूप से बचाव करता है, ठीक है। उसके बाद आगे हम चलेंगे सेफ्टी हैंड ग्लव्स, क्या चलेंगे, सेफ्टी हैंड ग्लव्स। हैंड ग्लव्स क्या है, 3 प्रकार का होता है, एक कॉटन हैंड ग्लव्स हो गया, एक रबड़ हो गया, और एक लेदर हो गया। यहाँ पर कॉटन का है, किसका है, कॉटन का है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, सेफ्टी रिफ्लेक्टिव जैकेट, जैकेट मतलब होता है इसमें ग्रीन, मतलब 2 प्रकार का होता है, ग्रीन होता है, रेड होता है। इसे हम लोग क्यों पहनते हैं,
अपनी पहचान के लिए, जैसे हम लोग नाइट में काम करेंगे या डे में काम करते हैं, रिफ्लेक्टिव मतलब प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, इसमें रेडियम पट्टी या लिबिनियस पेंट लगा होता है, ये चमकता है, क्या करता है, चमकता है, प्रकाश को दूर से ही मतलब रिफ्लेक्ट कर देते, जैसे हम नाइट में यहाँ काम करेंगे, गाड़ी आएगा कोई, हम यहाँ बीच में सो जाएंगे, खड़े रहेंगे तो गाड़ी वाले को दूर से दिखेगा कि यहाँ पर कोई बंदा काम कर रहा है या खड़ा है, ठीक है, दूर से प्रकाश को रिफ्लेक्ट करेगा तो आपको दुर्घटना नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है, या ऊंचाई पे कोई काम कर रहा है या नीचे कोई काम कर रहा है ताकि कोई सामान नहीं फेंकेगा, ठीक है। हाँ, तो ये पहचान के लिए और आपका मतलब एक अच्छा के लिए ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये हो गया सपना, यस सर, ठीक है, ओके, थैंक यू, पूरा टूल हो गया, ठीक है, ओके ओके सर।